प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ मंदिर परिसर को 80 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। जी आपको बता दें कि सुबह 11 बजे होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री समुद्र दर्शन पथ समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सुबह 11 बजे ये वर्चुअल कार्यक्रम होने वाला है। तो आपको हम बता दें कि कई यहां पर योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के वैभव से पूरा हिंदुस्तान परिचित है। अरब सागर के किनारे स्थित भोलेनाथ का ये दरबार उनके करोड़ों भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। खुद पीएम मोदी हर बड़े काम से पहले या उसके बाद सोमनाथ बाबा का आशीर्वाद जरूर लेते हैं और अब तो वो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और इसी हैसियत से वो सोमनाथ के वैभव को और निखारने की तैयारी में हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे तो कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जिन तीन बड़ी योजनाओं को आज पीएम देश के नाम करने वाले हैं वो है समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और अहिल्याबाई होलकर मंदिर। समुद्र दर्शन पैदल पथ करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है, इसे सोमनाथ मंदिर के पीछे की तरफ बनाया गया है। पीएम आज दूसरी बड़ी सौगात सोमनाथ प्रदर्शनी की देंगे। इसमें पुराने सोमनाथ मंदिर के टूटे हिस्सों को रखा गया है। पैदल पथ और प्रदर्शनी का निर्माण 47 करोड़ की लागत से हुआ है। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर मंदिर का भी आज उद्घाटन होगा। ये प्राचीन सोमनाथ मंदिर है जिसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। 3.5 करोड़ की लागत से इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। ग्राफिक तस्वीरों के जरिए समझिए कि सोमनाथ मंदिर का समुद्र दर्शन पथ कैसा होगा। मंदिर से सटा पीछे की ओर ये एक लंबा गलियारा होगा जहां से सीधे समुद्र दिखाई देगा। नए मंदिर के ठीक दूसरी तरफ पुराना मंदिर है जिसके नए रूप का आज पीएम उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम आज ही सोमनाथ परिसर में पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। पार्वती मंदिर को 30 करोड़ की लागत से सोमपुरा शैली में बनाया जाएगा। आज के कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम सोमनाथ परिसर के राम मंदिर सभागार में होगा। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।